वेलकम टू पवन बाग अकेडमी। आई होप स्टूडेंट सब लोग अच्छे होंगे। तो कंटिन्यू करें हम लोग के चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी में। देखिए, हम लोगों ने जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं उनके बारे में तो पढ़ लिया था, और न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था जो कि था आप लोगों का ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स में काफी सारे एग्जाम्पल्स भी देखे थे, एंड यहाँ पर हम लोगों का बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन काफी वाइड एरिया में यूज होता है एनिमल्स में, तो उसी हम लोगों को स्टार्ट करना था। यहाँ तो शायद मैंने आप लोगों को करवा दिया था पूरा इस वाले पार्ट तक, तो यहाँ से आज हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट से। फॉरेन डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एनिमल यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने अपने स्टार्टिंग में जो टॉपिक में पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी में, वो हम लोगों ने क्लोन जीन पढ़ा था। जीन क्लोन बोल दो, क्लोन जीन यही पढ़ा था, जिसे हम लोगों ने फॉरेन डीएनए भी बोला था। ट्रांसजेनिक का मतलब क्या होता है? ट्रांसजेनिक प्लांट्स की बात की जाए या फिर ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात की जाए, दैट मीन कि उसके अंदर किसी भी जीन का इंट्रोडक्शन कराना बाय यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से उसके अंदर जो सेल्स हैं मॉडिफिकेशन हो जाए, उसके सेल्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें क्या हो जाए, मॉडिफिकेशन हो जाए, यानी कि उसकी क्वालिटी, हर चीज कैरेक्टर्स में क्या हो जाए, इम्प्रूवमेंट हो जाए। यही मतलब होता है हम लोगों का ट्रांसजेनिक का। और रिप्रेजेंटेटिव बट नॉन इंक्लूसिव लिस्ट ऑफ पर्पसेस फॉर व्हिच ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैव बीन यूज्ड। अब देखिए, हम लोग ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने पर्पस के लिए कर रहे हैं, अपने यूज के लिए। तो हम लोग यही देख लेते हैं कि जितने भी क्या क्या एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज। सबसे इन मेडिकल रिसर्च है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक फैक्टर्स इन कॉम्प्लेक्स होमियोस्टेटिक सिस्टम्स थ्रू ओवर और अंडर एक्सप्रेशन ऑफ मॉडिफाइड जीन और इंसर्टेड ट्रांसजीन। सबसे पहले है मेडिकल रिसर्च। मेडिकल रिसर्च में क्या करते हैं कि कोई भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स है तो उसमें क्या है, कोई भी नए टाइप के जीन के बारे में पता लगाना है, कोई भी न्यू क्या करेंगे, उस जीन का क्लोन बनाया, उस एनिमल के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया, तो वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हो गया, क्योंकि उसकी जो जनरेशन आई बहुत ही इम्प्रूवमेंट वाली आई, या फिर क्या आई, तो किसी भी मॉडिफाइड जीन के बारे में पता लगाना, या फिर उसका होम्योस्टेटिक सिस्टम कैसा है, दैट मीन उसकी जो वार्म ब्लडेड एनिमल है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, इसको इस कंडीशन में रखेंगे और नए जीन का इंट्रोडक्शन कराएंगे तो उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, उसको वार्म ब्लड वार्म सीजन में रखेंगे या दूसरी कंडीशन में हम लोग रखेंगे, और फिर उसके अंदर मॉडिफाइड जीन करेंगे, यानी कि उसका न्यू जीन का इंट्रोडक्शन कराएंगे तो उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, इसको ये डिसीज हो गई है, इस डिसीज के लिए मैंने इसकी बॉडी में न्यू जीन का इंट्रोडक्शन कराया तो इसकी बॉडी क्या रिएक्ट करेगी, मेडिकल रिसर्च में आ गया। नेक्स्ट है इन टॉक्सिकोलॉजी, एज रिस्पॉन्सिव टेस्ट एनिमल डिटेक्शन ऑफ टॉक्सिकेंट। टॉक्सिकेंट समझते हैं ना आप लोग, जहर का पता लगाना। इन मैमेलियन डेवलपमेंटल जेनेटिक्स, टॉक्सिकोलॉजी में क्या करते हैं, एनिमल्स के अंदर कोई टॉक्सिक इंट्रोड्यूस्ड है या नहीं है इस चीज के बारे में पता लगाना। इस चीज के लिए भी क्या करेंगे, जीन का यूज करेंगे कि कोई भी जीन का क्लोन उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराएंगे, इंट्रोड्यूस कराने के बाद वो कुछ इसके अंदर रिएक्शन होगी जिससे पता लग जाएगा कि हाँ इसकी बॉडी में कोई टॉक्सिन है या नहीं है। इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द एनालिसिस ऑफ द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन मेक्स यूज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ अ स्पेसिफिक जेनेटिक चेंजेस एट द लेवल ऑफ द होल एनिमल। यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्पेशली यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन आ जाएगा कि यहाँ पर उसकी बॉडी में ये जीन प्रेजेंट है और ये कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैं कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ कि हमारी बॉडी में किसी भी एनिमल की बॉडी में 20,000 30,000 जितने चाहे जीन है और हर एक जीन अपने अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जो एनिमल है अब उसको क्या है, न्यू जनरेशन आनी है, फर्स्ट जनरेशन आती है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन आने से पहले हमने इस एनिमल की बॉडी में एक नए टाइप के जीन का इंट्रोडक्शन करा दिया उसके रिप्रोडक्टिव सेल्स में, ठीक है, स्पर्मियो को हमने। अब यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन आई तो फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ कि जो न्यू जीन का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पुराने
एनिमल के गैमेट्स में कराया था, वो उससे फर्स्ट जनरेशन आई, और फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ कि जो पूरा एनिमल था वो जेनेटिकली चेंज हो गया, यानी कि उसके अंदर न्यू कैरेक्टर्स आ गए, इम्प्रूवमेंट, बहुत सारी चीजें आ गई। इन फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री टारगेटेड प्रोडक्शन ऑफ फार्माक्यूटिकल प्रोटीन्स, ड्रग प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट एफिशिएंसी टेस्टिंग। अब यहाँ पे फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी हम लोगों का यहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूज होते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स में क्या है, देखिए हम लोगों को दूध मिल्क प्रोवाइड होता है, और इसके अलावा हम लोगों को मीट प्रोवाइड होती है, और उसी फिर मीट से हम लोगों को प्रोटीन, बहुत सारी ड्रग का प्रोडक्शन प्लांट से, राइट, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। सपोज करिए कि कोई काउ या कैटल है, वो उसका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा नहीं है, लेकिन उसके अंदर हम लोगों ने एक न्यू ऐसे जीन का इंट्रोडक्शन करा दिया जिससे उसका जो मिल्क प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हो गया, तो फार्माक्यूटिकल प्रोटीन का प्रोडक्शन भी अच्छा, अच्छी क्वालिटी का ज्यादा इंक्रीज हो गया, राइट, प्रोडक्ट की एफिशिएंसी बढ़ गई। तो किसकी वजह से? ट्रांसजेनिक एनिमल्स की वजह से। इन बायोटेक्नोलॉजी एज प्रोड्यूसर्स ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स, बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करने के लिए इस पे जेनेटिकली इंजीनियर्ड हार्मोन्स टू इंक्रीज, इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स हम लोग जो कैटल्स या जितनी भी एनिमल्स हैं उसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं ताकि उनकी मिल्क यील्ड इंक्रीज हो सके, मीट प्रोडक्शन हो सके, उनकी क्वालिटी इंक्रीज हो सके। जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक एंड एक्वाकल्चर एंड अफेक्टिंग मॉडिफिकेशन ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी, इसके अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स हैं हर कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो उनको उनकी लाइफ स्टॉक, उनके लाइफ सर्वाइवल और ज्यादा से ज्यादा कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए उनको जीन का इंट्रोडक्शन कराना, एक्वाकल्चर में फिशेज वगैरह के लिए, एनिमल फिजियोलॉजी एनाटॉमी को बिल्कुल मॉडिफाई करने के लिए, क्लोन बनाने के लिए, तो हम लोग जानते ही हैं क्लोन, एक हम लोग का शीप भी बनाया गया था वो हमारा ट्रांसजेनिक एनिमल था, एंड डेवलपिंग एनिमल्स स्पेशली क्रिएटेड फॉर यूज इन क्राफ्टिंग, और बहुत सारे एनिमल्स का प्रोडक्शन करना जो कि हम लोग क्राफ्टिंग मेथड में यूज होते हैं। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स की एप्लीकेशन यूजेस खत्म नहीं होते हैं, यहाँ पे तो सिर्फ हम लोगों ने कुछ पढ़े हैं जो अपने सिलेबस में इंट्रोड्यूस है, लेकिन अगर कोई बायोलॉजी लेता है स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी से तो उनको पता चलेगा कि हाँ कितने सारे यूजेस हैं जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स से हमारे साइंस में परफॉर्म किए जाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रांसजेनिक माइस एंड कैंसर रिसर्च के बारे में। थ्रू लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन विद ट्रांसजेनिक माइस, माइस समझते हैं ना चूहा, ट्रांसजेनिक यानी कि चूहे में न्यू जीन का इंट्रोडक्शन कराया और उसका जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, मॉडिफाइड हो गया, राइट, that have been modified using a particular cancer causing gene. इसके अंदर एक ऐसे जीन का इंट्रोडक्शन कराया जिसका नाम था oncogene. ये एक ऐसा जीन है जो कि कैंसर को करता है, किसी भी बॉडी के अंदर अगर oncogene का इंट्रोडक्शन करा दिया जाए तो उस बंदे को यानी उस पर्सन को कैंसर होना ही होना है, कैंसर कॉजिंग जीन है, एंड दिस डेवलप्ड अ सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर। Question concerning the relationship between oncogenes and cancer development could be answered. यहाँ पर इस माइस के अंदर इस जीन का इंट्रोडक्शन कराने का जो मेन एम था वो ये था कि देखिए कैंसर का कोई वैसे तो इलाज है, अगर काफी सारी स्टेजेस होती है कैंसर की, शायद 6 या 7 जितनी भी स्टेजेस होती है, अगर स्टार्टिंग एज में पता चल जाता है तो उसका क्योर है, राइट, उसका क्योर है, लेकिन अगर लास्ट स्टेज में पता चलता है लाइक 7th स्टेज और जो भी स्टेज होती है 6th या 7th स्टेज, अगर लास्ट स्टेज में पता चलता है तो कोई क्योर नहीं है, तो माइस के अंदर ऑनकोजीन का इंट्रोडक्शन कराया जो कि कैंसर कॉज करता है। अब उसके अंदर कौन सा कैंसर हो सकता है, ऑनकोजीन ये नहीं बताता कि उसको ट्यूमर होगा या ब्रेस्ट कैंसर होगा, माउथ कैंसर होगा, लंग कैंसर होगा, लिवर कैंसर होगा, किडनी कैंसर होगा, कौन सा कैंसर होगा, ये नहीं बताएगा, बस कैंसर करेगा। तो सबसे पहले उनको यही जानना था कि ऑनकोजीन का इंट्रोडक्शन कराने से माइस को कौन से टाइप का कैंसर होगा, राइट, और देन जो कैंसर डेवलपमेंट होगा, कैंसर उसकी बॉडी में डेवलप हो रहा है, एंड देन उस जीन से उस कैंसर डेवलपमेंट का एक्चुअली में रिलेशन क्या है, क्यों वो जीन किसी भी पर्सन के अंदर इंट्रोड्यूस कराने पर कैंसर प्रोड्यूस कर रहा है।
Theoretically, such animals can also be used for research into cancer treatment and prevention of malignancy. देखिए यहाँ पर आपको जो एग्जाम्पल दिया है वो माइस का दिया है, लेकिन इससे पहले भी और आज के टाइमिंग पर भी बहुत सारे एनिमल्स का यूज किया गया है, उनके बॉडी के अंदर ये जीन एंटर कराया गया है कैंसर वाला, एंड देन कैंसर का क्या क्या ट्रीटमेंट है, कौन कौन से प्रिवेंशन है मैलिगेंसी से बचने के लिए, इसके बारे में पूरी रिसर्च भी करी गई है. इन द लेबोरेटरी ऑफ फिलिप लेडर इन हार्वर्ड यूएसए द ट्रांसजेनिक माउस मॉडल फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर वाज डेवलप्ड. यहाँ पर जो फिलिप लेडर हार्वर्ड यूएसए में रहती है साइंटिस्ट है, उनकी लेबोरेटरी में ट्रांसजेनिक माउस का यूज किया गया था इस चीज का पता लगाने के लिए ब्रेस्ट कैंसर का, कि किसी भी पर्सन के अंदर जो ब्रेस्ट कैंसर है उसका रीजन क्या है और कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है और ऐसे कौन से जीन का इंट्रोडक्शन हम कराएं कि शायद वो कैंसर ट्रीट आई मीन प्रिवेंट हो सके, बचा मतलब उसको बचाया जा सके. द ऑन्कोजेंस माइस एंड रैट्स वर एनालाइज्ड टू फाइंड आउट इफ दे लीड टू ब्रेस्ट कैंसर इन माइस ट्रांसफॉर्म्ड विद दिस जीन. यहाँ पर जो ऑन्कोजेंस थे MYC और RAS RAS इन दोनों का यूज किया गया था माइस के अंदर ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाने के लिए, क्योंकि मोस्टली जो माइस क्या है फीमेल चूहिया चूहे होते हैं में रेड होते हैं चूहा, माइस होती है फीमेल, और आपने पढ़ा भी होगा कि जो ब्रेस्ट कैंसर है फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है. 80% या 70% केस में जो कैंसर होता है फीमेल्स में वो ब्रेस्ट होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पर माइस को यूज किया और इस वाले जीन का. नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स. विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी The invention of researchers is devoted to produce transgenic farm animals from which the mankind can derive greater benefits. यहाँ पे अब लोग आ जाते हैं farm animals पर. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है नई नई रिसर्च आ रही है और नई नई रिसर्च हमारे नई नई रिसर्चर्स की वजह से हम लोगों के पास आज के टाइमिंग पर ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स भी प्रेजेंट है प्रोड्यूस किए हैं जिनका फायदा लोग द मैनकाइंड अपने लिए उठाते हैं. क्यों? क्योंकि बिकॉज मेनी ऑफ द फार्म एनिमल्स आर इंप्रूव्ड फॉर देयर मीट प्रोडक्शन एबिलिटी व्हाइल सम ऑफ देम आर इंप्रूव्ड फॉर मिल्क यील्ड एंड क्वालिटी एंड डिजीज फ्री स्टेटस. ये जो ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स हैं यानी कि जितने भी फार्म एनिमल्स हैं डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं स्पेशली इन विलेजेस, उनको ट्रांसजेनिक फार्म में क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका क्या फायदा है? सबसे पहला फायदा क्योंकि जो हम लोगों के फार्म एनिमल्स हैं वो हमें देते हैं मिल्क, लेकिन जैसे जैसे ये पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है उनके लिए खाने के लिए नहीं है राइट, इंसानों के लिए तो खाने के लिए नहीं पा रहा एनिमल्स के लिए और लॉन्ग टर्म बहुत सारी चीजें, तो उनकी मिल्क की यील्ड को और क्वालिटी को प्रूफ और इंक्रीज करने के लिए, अगर उनके अंदर कोई बीमारी है या लग सकती है उस बीमारी से बचने के लिए, इसके अलावा जो मीट खाते हैं तो मीट की प्रोडक्शन एबिलिटी को बढ़ाने के लिए उनमें नए नए टाइप का जीन का इंट्रोडक्शन कराया जाता है और ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स बनाए जाते हैं, बनाए नहीं कह सकते एक तरीके से प्रोड्यूस किए जाते हैं. एट द बिगनिंग ऑफ द सेंचुरी A dairy cow provided 2,000 to 3,000 liter of milk a year. पहले की बात हम लोग करें यहाँ पर तो एक जो डेरी काउ होती है जो होती है वो एक साल में 2,000 से 3,000 लीटर दूध दिया करती थी, ठीक है उस टाइम पे इनफ हो भी जाता था क्योंकि इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, इनफ भी हो जाता था लोगों के पास पहुंच भी जाता क्योंकि इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई लोगों की डिमांड बढ़ती गई तो ऑब्वियसली बात है भाई जो क्वालिटी की क्वांटिटी है मिल्क की वो भी तो इंक्रीज होनी चाहिए. सो टुडे हॉल्स्टन काउ प्रोवाइड्स, हॉल्स्टन काउ इज अ ट्रांसजेनिक काउ, डेयरी काउ थी पहले उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया था उसके जीन में, हॉल्स्टन काउ है जिसके जीन में मॉडिफिकेशन किया है और अब वो एक साल में 6,000 लीटर ऑन एवरेज, इससे मतलब 6,000 लीटर तो फिक्स्ड है ही, 6,000 लीटर तो फिक्स्ड है ही उसका दूध, इसके अलावा 8,000 से 10,000 लीटर पर ईयर भी वो देती है. यही हम लोग हैंड की बात करें अ सेंचुरी एगो बहुत साल सेंचुरी से पहले अबाउट 70 एग्स अ ईयर, यानी कि हम लोगों की जो हैंड है
एक साल में 70 70x, राइट। तो उस टाइम पे लोगों के लिए इतना इनफ था, पॉपुलेशन ज्यादा नहीं थी। पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ी, लोगों की डिमांड ज्यादा बढ़ी। अब यहाँ पर हमने हैन को ट्रांसजेनिक हैन में कन्वर्ट किया, अब वो कितने एग देती है एक साल में, 250, मतलब ट्रिपल कर दी। ट्रिपल क्यों? तो हाँ, ट्रिपल से भी ज्यादा कर दी एक तरीके से, 250, क्योंकि अगर ट्रिपल करती तो 210 होता, ट्रिपल से भी ज्यादा कर दी है। एंड दिस कुड बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और ये सारी चीजें, इतना सब कुछ कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर इम्प्रूव्ड एनिमल ब्रीडिंग प्रोग्राम्स कपल्ड विद दिस न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ जीन ट्रांसफर आर गिवन ब्लो, यानी कि हम लोग ये जो जीन ट्रांसफर कर रहे हैं, एनिमल ब्रीडिंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तो इसका एक्चुअली में फायदा क्या है? एफिशिएंसी ऑफ मीट प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, मीट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, मिल्क की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इम्प्रूव करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा एग प्रोडक्शन के लिए, वूल की क्वालिटी और क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए, डिजीज रेजिस्टेंस एनिमल्स को डिजीज फ्री करने के लिए, इसके अलावा अगर उनकी बॉडी में कोई डिजीज है तो उसे फ्री करने के लिए, प्रोडक्शन ऑफ लो कॉस्ट फार्माक्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल, इसके अलावा जो फार्माक्यूटिकल्स और बायोलॉजिकल्स में जो भी हम लोगों के प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होता है उसको लो कॉस्ट पर प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, ये सब हम लोगों के एप्लीकेशंस हैं जो ट्रांसजेनिक एनिमल से हम लोगों के बेनिफिट है, हम लोगों को मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रांसजेनिक कैटल फॉर फूड प्रोडक्शन। ठीक, अब फूड प्रोडक्शन पर आते हैं। ऑफ द फ्यू रिसर्च रिपोर्ट्स डिस्क्राइबिंग द यूज ऑफ ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजीज इन कैटल, ओनली वन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फूड प्रोडक्शन एप्लीकेशन। यहां पर रिपोर्ट्स मतलब जितनी भी रिसर्च हुई, हमने अलग अलग रिसर्चर्स ने करी, उन्होंने जो एक चीज निकाल के दी पूरा रिजल्ट, एक तरीके से बात करें उनका जो फाइनल रिजल्ट आया वो बस यही आया कि हम लोग ये ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजीज चाहे कैटल में यूज करें, चाहे फार्म एनिमल्स में यूज करें, चाहे प्लांट में यूज करें, रिजल्ट एक ही है। मतलब एम रिजल्ट नहीं कह सकते, एम एक ही है फॉर फूड प्रोडक्शन, प्लांट से फूड मेडिसिन यही सब मिलता है, एनिमल्स मिल्क की क्वालिटी को, मीट की क्वालिटी को, इन सब चीज को इंक्रीज करने के लिए, राइट। तो ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग जो ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं किसी भी एनिमल कैटल या हेन में, सिर्फ और सिर्फ इसलिए है फूड प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि इंसान चाहे किसी भी चीज के बगैर रह सकता है। फोन ना मिले कोई दिक्कत नहीं, लैपटॉप कोई दिक्कत नहीं, तो एक दूसरे की परेशानी होगी फिर आदत लग जाएगी, लेकिन अगर खाना ना मिले तो क्या बिना खाने की आदत हो सकती है? किसी को नहीं भाई, जिंदा ही नहीं बचेंगे। एंड रिसर्चर्स इंट्रोड्यूस एडिशनल कॉपीज ऑफ बोवाइन पेटा बीटा और कैपा कैसाइन इनटू डेयरी कैटल एंड इवैल्यूएटेड द इफेक्ट ऑन मिल्क प्रोडक्शन एंड कंपोजिशन। रिसर्चर्स ने दो यहां पर हार्मोन्स है, बोवाइन बीटा या फिर कैपा कैसाइन, इनका इंट्रोडक्शन जो डेयरी कैटल्स होती हैं उनमें कराया, एंड देन फिर मिल्क कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कितना उसका अच्छा क्वालिटी है और क्वांटिटी है, इस चीज के बारे में अपना इवैल्यूएशन करा। एंड ट्रांसजेनिक ऑफस्प्रिंग हैड एन 8 to 20% इंक्रीज इन बीटा कैसेन एंड अ 2-fold इंक्रीजेस इन कैपा कैसेन। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जो रिसर्चर्स थे, रिसर्चर्स ने क्या किया, रिसर्चर्स ने सबसे पहले जो कैटल थी एक उनमें इन दो हार्मोन्स का आई मीन प्रोटीन्स का एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन करा दिया। पहले जो पेरेंट कैटल थी, मैं ऐसे समझाती हूँ, जो पेरेंट कैटल थी जिनके अंदर इंट्रोडक्शन कराया इन हार्मोन्स और एंजाइम्स का, ठीक, जब पेरेंट कैटल थी तो उसके मिल्क की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को पहले देख लिया अच्छे से। फिर इस कैटल की नेक्स्ट जनरेशन आई, अब इस नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो मिल्क का प्रोडक्शन हुआ उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी अपने पेरेंट कैटल से 8 से 20% इंक्रीज थी, और उसके मिल्क के अंदर प्रेजेंस थी बीटा कैसाइन प्रोटीन और
और कैपा कैसाइन प्रोटीन, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है या कह सकते हैं बहुत फायदेमंद है। जो पेरेंट कैटल थे उसमें बीटा कैसाइन ऑलरेडी थे, नेचुरल कैसाइन मिल्क में होता है, मिल्क प्रोटीन कौन सा होता है, कैसाइन होता है, उसके अंदर थे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं थे जितना उसके नेक्स्ट जनरेशन में। तो हमने क्या किया, फूड का प्रोडक्शन इंक्रीज किया ना, और फूड के अंदर जो क्वालिटी और क्वांटिटी होनी चाहिए थी अच्छी खासी, उसको भी हम लोगों ने इंक्रीज किया ट्रांसजेनिक का यूज करके। नेक्स्ट आता है ट्रांसजेनिक कैटल फॉर ह्यूमन थेराप्यूटिक प्रोडक्शन। अ सेकंड एप्लीकेशन फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड कैटल इज द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन थेराप्यूटिक प्रोटीन। अब हम लोग ह्यूमन थेराप्यूटिक प्रोडक्शन पर आ जाते हैं। पहले तो हम लोगों ने फूड प्रोडक्शन देख लिया, अब जो सेकंड एप्लीकेशन है कि हम लोग किसी भी एनिमल के अंदर, कैटल के अंदर जेनेटिकली उसके जीन्स को मॉडिफाइड कर रहे हैं, किस लिए करना है, अब हमें करना है ह्यूमन थेराप्यूटिक प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए। ह्यूमन प्रोटीन्स दैट हैव बीन एक्सप्रेस्ड इन मिल्क इंक्लूड ह्यूमन लैक्टोफेरिन, ह्यूमन अल्फा लैक्टोग्लूकन, एल्ब्यूमिन, ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन, ह्यूमन बाइल सॉल्ट स्टिमुलेटेड लिपिड्स। ह्यूमंस के अंदर जो प्रोटीन्स की प्रेजेंस होती है वैसे तो मिल्क से मिलती है, ऑब्वियसली बात है, सबसे ज्यादा प्रोटीन हम लोगों को मिल्क से ही मिलता है, बाकी दालों से भी मिलता है, लेकिन उससे कंपैरिजन में मिल्क से मिलता है। और फिर ये जो मिल्क से प्रोटीन मिल रहा है, दाल से जो प्रोटीन मिल रहा है, तो बहुत सारे फूड प्रोडक्ट से मिलता है, लेकिन अभी कैटल की बात करें तो मिल्क की बात करें, ठीक। तो और यही प्रोटीन हमारी बॉडी में किस किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, लैक्टोफेरिन की फॉर्म में, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन की फॉर्म में, सीरम एल्ब्यूमिन की फॉर्म में, बाइल सॉल्ट लिपिड्स की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ये तो पढ़ा ही आप लोगों ने। एंड द मैमरी ग्लैंड इन डेयरी काउज इज एन एक्सीलेंट प्रोटीन प्रोडक्शन फैक्ट्री। और यहाँ पर क्या बोल दिया कि जो डेयरी काउ है सबसे ज्यादा जो प्रोटीन का प्रोडक्शन है उसकी मैमरी ग्लैंड से ही हो रहा है, राइट। ऑन द अदर हैंड वन ट्रांसजेनिक काउ वुड बी मोर देन सफिशियंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ annual world supply of factor 11 that is plasma thrombin that is used in the treatment of hemophilia. लेकिन यही हम लोग डेयरी काउ की जगह ट्रांसजेनिक काउ अब हम लोग प्रोड्यूस करें। जो पेरेंट काउ थी उसमें हम लोग बोले न्यू जीन का इंट्रोडक्शन कराया, देन उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आई वो कौन सी जनरेशन होगी, ट्रांसजेनिक काउ होगी, जिसके अंदर ज्यादा क्वालिटी, ज्यादा सफिशियंट प्रोडक्शन हुआ मिल्क का, ज्यादा क्वालिटी में भी हुआ, ज्यादा क्वांटिटी में भी हुआ, और उस जीन, जिस जीन का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कराया था जिसकी वजह से ये ट्रांसजेनिक काउ प्रोड्यूस्ड हुई, इसके प्रोटीन में, इसके मिल्क प्रोटीन में एक खास बात ये थी कि वो हीमोफीलिया डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए भी हेल्पफुल था। हीमोफीलिया डिसऑर्डर होता है कि जिसको भी जैसे कट लग गया, चोट लग गई, तो हम लोग क्या है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। हीमोफीलिया कंडीशन में अगर किसी को कट या चोट लग जाती है तो खून बहता रहता है, उसकी ब्लड क्लॉट नहीं होती है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, थर्मोब्लास्टिन प्रोटीन की, राइट। और ये प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, मिल्क से मिलेगा। कैसे, जब मिल्क की क्वालिटी अच्छी होगी, और मिल्क की क्वालिटी किससे अच्छी हो रही है, ट्रांसजेनिक काउ से, डेयरी काउ से नहीं थी, इससे हुई ट्रांसजेनिक काउ से। इन 1990 ट्रेसी द ट्रांसजेनिक काउ, 1990 में ट्रेसी थी एक ट्रांसजेनिक काउ थी जो कि स्कॉटलैंड में बॉर्न हुई थी, एंड कुड प्रोड्यूस द ह्यूमन प्रोटीन इन हर मिल्क फॉर ह्यूमन थेराप्यूटिक्स। और उसके मिल्क में ह्यूमन प्रोटीन की प्रेजेंस थी जो कि ह्यूमन थेराप्यूटिक्स में हेल्पफुल था। एंड एंटीबॉडीज आर करेंटली यूज्ड फॉर मेनी डिफरेंट क्लिनिकल एप्लीकेशन। और इसके अलावा बहुत सारी एंटीबॉडीज हैं जो कि ह्यूमन क्लिनिकल एप्लीकेशन में यूज की जाती है, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट ऑफ जैसे बहुत सारी इंफेक्शन डिजीजेस के लिए, कैंसर के लिए, ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन रिजेक्शन के लिए, लोगों के ऑर्गन खराब ना हो जल्दी, उनको ट्रांसप्लांट ना कराना पड़े, ऑटो इम्यून डिजीजेस के लिए, एंड फॉर यूज एंटी टॉक्सिन। एंड टू मेक अ ह्यूमन एंटीबॉडी प्रोडक्ट the genetically modified cows are immunized with a vaccine containing the diseases agent. और humans के अंदर ये सारी चीजें like infectious disease का treatment, cancer,
ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन रिजेक्शन, ऑटोइम्यून डिजीज, एंटीटॉक्सिन, ये सब इनकी बॉडीज में एंटीबॉडीज ह्यूमंस के अंदर थोड़ा सा इंक्रीज हो सके। तो जो हम उनकी काउ है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड काउ है, उनको इम्यूनाइज किया जाता है, यानी कि वैक्सीन दी जाती है। एंड देन जब वो काउ मिल्क को प्रोड्यूस करती है, तो उस मिल्क के अंदर वही इम्यूनिटी, वही जीन, वही वैक्सीन सब कुछ प्रेजेंट होता है जो हमारे ह्यूमन बॉडी में एंटर होता है, हम कहते हैं दूध। और देन हमारी ह्यूमन की एंटीबॉडीज के प्रोडक्ट्स को बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक शीप। काफी देर से मैं बता रही थी ट्रांसजेनिक शीप है, ट्रांसजेनिक शीप है, तो उसके बारे में आज पढ़ ही लेते हैं। ट्रांसजेनिक शीप, जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इज अप्लाइड टू शीप टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक शीप विच आर एबल टू अचीव बेटर ग्रोथ एंड मीट प्रोडक्शन एज वेल एज टू सर्व एज अ बायोरिएक्टर्स। जीन ट्रांसफर, ट्रांसजेनिक जीन को प्रोड्यूस्ड कैसे किया गया था? जीन ट्रांसफर से, यानी कि जो पेरेंट शीप थे उनके अंदर न्यू जीन का इंट्रोडक्शन कराया, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आई, वो शीप जो आई नेक्स्ट जनरेशन में, वो कौन सी शीप थी? ट्रांसजेनिक शीप। क्यों? ताकि उसकी ग्रोथ अच्छे से हो सके, मीट प्रोडक्शन, उसका मीट बड़ा ही अच्छी क्वालिटी का हो, इसके अलावा बायो रिएक्टर एज अ वर्क कर सके। एंड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन इज इंट्रोड्यूस्ड इन शीप फॉर प्रमोटिंग द ग्रोथ एंड मीट प्रोडक्शन। इसके अंदर एक ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन का इंट्रोडक्शन कराया ताकि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो सके और मीट ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो सके। बैक्टीरियल जीन थे इसमें से साइज E and size M, cysm, are concerned with biosynthesis of cysteine amino acids involved the formation of keratin protein found in. इसके अंदर दो बैक्टीरियल जीन का इंट्रोडक्शन कराया था, एक था cys E, एक cys M. Are concerned with, और उनके अंदर जो प्रेजेंट थी वो था cysteine amino acids की। उन जीन के अंदर कौन से अमीनो एसिड्स प्रेजेंट थे? cysteine amino acids, जो कि कैरेटिन प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं और वुल के अंदर कैरेटिन प्रोटीन की फॉर्मेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम लोग वुल है, जो वूल वगैरह है, हम लोग अपने कपड़ों के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए यूज करते हैं और वो अच्छी क्वालिटी का होता है। एंड सो बोथ दीज जीन्स आर आइडेंटिफाइड, क्लोन एंड इंट्रोड्यूस्ड इन शीप टू इंक्रीज वुल प्रोडक्शन एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ। अब ये जो जीन थे हम लोगों के सिस ई और सिस एम जीन, इसका पहले क्लोन बनाया गया, राइट? पता है ना, किसी भी जीन को किसी दूसरी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उसका क्लोन इंट्रोड्यूस कराते हैं, ना कि सेम वही जीन डाल देते हैं। तो जो जीन था, सबसे पहले उस जीन के क्लोन बनाए, उस क्लोन जीन को शीप के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया ताकि उसके वूल ज्यादा से ज्यादा उसकी बॉडी पर प्रोड्यूस हो और उस वूल की क्वालिटी ज्यादा से अच्छी हो, क्योंकि उसके जीन कौन से प्रोटीन को प्रोड्यूस करेंगे? केराटिन प्रोटीन को। और केराटिन प्रोटीन होता ही अच्छा है, शैम्पू भी आता है ना, केराटिन शैम्पू, बालों के लिए बहुत अच्छा है, बाल झड़ते हैं जिसके हेयर फॉल होता है, लाइक दैट। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक पिग्स, पिग्स को भी बनाया जा चुका है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ जीन ट्रांसफर इन पिग्स टू इंक्रीज ग्रोथ एंड मीट प्रोडक्शन एंड टू एज अ बायोरिएक्टर। पिग के अंदर, यानी कि ट्रांसजेनिक पिग बनाने का जो मेन एम है क्या है? ज्यादा से ज्यादा उनकी ग्रोथ और मीट, मेन तो मीट ही है, ग्रोथ तो ऐसी है, सबसे ज्यादा मीट प्रोडक्शन के लिए लोग खाते हैं, पिग खाते हैं। पिग आर रिगार्डेड एज द मोस्ट स्विचेबल एनिमल्स टू बी ब्रेड फॉर हार्ट ट्रांसप्लांट बिकॉज द पिग हार्ट इज अबाउट द सेम साइज ऑफ ह्यूमन हार्ट। यहाँ पर कहा जाता है कि जो पिग है ना, सुटेबल एनिमल है हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए, क्योंकि उसका जो हार्ट का साइज होता है, जो चैम्बर होती है, जो वेल्व्स की पूरी पोजीशन होती है, सेम एज जो ह्यूमन के हार्ट की तरह होती है। और अगर किसी ह्यूमन को किसी का हार्ट फेल हो गया है, मतलब उसे किसी के हार्ट में प्रॉब्लम है और हार्ट ट्रांसप्लांट करना है और उसको कोई डोनर नहीं मिलता है, पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। पिग हार्ट वेल्व्स हैव बीन यूज्ड इन ह्यूमन हार्ट सर्जरी फॉर ओवर अ डेकेड। और पिग हार्ट की जो वेल्व्स होती हैं, जिसकी वेल्व्स खराब हो जाती हैं, जैसे हार्ट नहीं पूरा प्रॉपर, मतलब हार्ट में वेल्व्स में प्रॉब्लम हो गई है, तो पिग की हार्ट की वेल्व्स का यूज भी हम लोग हार्ट सर्जरी में यूज कर सकते हैं ह्यूमंस के लिए।
एंड द पिग क्लोन इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग एनिमल ऑर्गन्स एंड टिश्यू फॉर ह्यूमन ट्रांसप्लांट। और यहाँ पर पिग का क्लोन बनाया गया था, ये हम लोग का एक बड़ा ही अच्छा स्टेप था कि अगर किसी भी एनिमल या ह्यूमन को किसी भी ऑर्गन या टिश्यू की जरूरत है, ह्यूमन ट्रांसप्लांट करना है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है, तो पिग के जो ऑर्गन है यानी कि हार्ट या फिर उसकी वेल्स, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ऐसे ट्रांसप्लांट को हम लोग जीरो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, जीनो ट्रांसप्लांटेशन, जो कि पिग से किया जाता है। ओके, उसके बाद फिश है और चिकन, मतलब सारे सारे एनिमल्स का ट्रांसप्लांट हम लोग कर चुके हैं। तो आगे जो जितने भी एनिमल्स हैं उसको कोशिश करते हैं नेक्स्ट अपने सेशन में करने की। आई होप यहाँ तक स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा। फिर भी आप लोग एक बार रिवाइज करते रहिए चीजों को ताकि भूले नहीं, और बाकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। ये टॉपिक को नेक्स्ट सेशन से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय।